ओह माय गॉड, लगा रहा है। और ये नाली में चला गया क्या? आराम से, आराम से रखे, डरो डर। क्या इसका खूबसूरती का नजारा है, और ये एकदम। चलिए एक बार फिर से जिंदगी मौत से रूबरू होने के लिए हम लोग आ गए हैं। और दीपक जी इधर आ जाइए, हमारे एक ही स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन ये जूनियर थे, हम सीनियर थे। तो इनका फोन जो है ना कि किसी कारणवश हम डिस्कनेक्ट कर दिए, इसमें जो है ना कि आग बबूला हो गए हैं। तो इनसे हम क्षमा चाहते हैं कि आपका फोन हम काटने के बाद आपको कॉल नहीं किए, लेकिन कॉल करते, लेकिन हमको आभास हो गया कि यहीं से आप लोग सब आदमी मिलकर कॉल कर रहे हैं, इसलिए हम कॉल करना उचित नहीं समझे। हम सोचे कि जितना जल्दी वहां पहुंच जाए, इसलिए हम लोग यहाँ आने लगे। चलिए आइए। अच्छा, हम लोग दूसरे गेट में आ गए हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग यहाँ पे रेस्क्यू किए हुए थे, तो इन्हीं लोग कॉल किए, तो हमको लगा कि इधर सही होगा। चलिए सर, आप ही क्या है? और बंद है, इतना मोटा है, उसको निकलने का चीज थोड़ा है, नहीं। राम 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 जी, एकदम। अरे कैसे नहीं पहचानेंगे, वाह, एकदम। आइए, और कल हाँ दूध पिलाना होगा सांप को। और रात में ही जो है कि करीबन 3-4 कॉलिंग आया कि स्नेक बाइट हुआ, उसके बाद आदमी जो है कि मर भी गया, क्योंकि सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं कर पाया इसके कारण। इसलिए अभी बारिश का समय है, तो सब आदमी जो है कि ऊंचा स्थान पर जो है कि एकदम खास करके आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि बारिश निचले स्थान में उसके बिल में चला जाता है। तो सांप जो है कि अमूमन ऊंचा स्थान जहाँ पे पानी नहीं जा सकता है, वहां पर आकर जो है कि ठहर जाता है। और हम लोग बारिश के समय किसी भी चीज को उठाने के समय जो है कि कोई ना कोई घटना हो जाती है। और यहाँ देखिए इधर, और देखिए यहाँ पे नींबू का भी पेड़ है। हम लोग यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से हम लोग 2-4 नींबू भी जो है कि हम लोग ले लेंगे। और इनका कहना है कि इसी में है दूध, लाए हुए पिलाने के लिए, तो एक को कटोरा में ला के पिला दीजिए। हाँ, इधर इधर देखिए, इधर देखिए लो। और कैसा था दिखने में सांप? और इसका कहना है कि तो बड़ा और मोटा है। अच्छा, यहाँ पे दिखाई दिखाई, यहाँ यहाँ दिखाई, गजब का सीन। ओह माय गॉड, और देखिए किस तरह से जो है कि सांप एकदम अपना रास्ता खोज रहा है। और रुक जाइए, और लगी लगी आप यहाँ स्थिर रहिए, आप सुनिए इसको जो है। ओह माय गॉड, और एकदम गजब का बिग साइज का रैट स्नेक। और अमूमन अभी जो है ना कि रैट स्नेक ही देखने को मिलता है, क्योंकि रैट स्नेक जो है ना कि अभी इसका मेटिंग का समय जो है कि हो गया, इसलिए मेल जो है, हाँ मेल फीमेल के तलाश में जो है ना कि अमूमन जो है। ओह माय गॉड जी, जाने दीजिए ऊपर की ओर, गजब का, क्या इसका खूबसूरती का नजारा है। और ये सांप हमें जो है कि शरीर कपड़ा को, एगो कपड़ा भी खोले, सॉरी हाँ बिग साइज का है रैट स्नेक। और ये देखिए किस तरह से जो है कि एकदम गुड़िया कर जो है। ओह माय गॉड, ये देखिए अब जो है कि भागने के लिए कोशिश करो। ओह माय गॉड, उधर से उधर 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 लिख गई ना। ओह माय गॉड, और इसे यहाँ से धर धबोच लिया गया, लेकिन बहुत ताकत लगा रहा है, बहुत ताकत लगा रहा है। ओहो, बहुत ताकत लगा रहा है। और ये नाली में चला गया क्या? और ये मुझे अब आक्रामक मूड में आएगा। चलिए हम लोग बाहर की ओर चलते हैं पहले। और बहुत बिग साइज का, ओह गॉड, और ये
कपड़ा को है कर दिया। ओह माय गॉड, और ये एग्रेसिव होकर बाइट करने की कोशिश करेगा। चलिए बाहर की ओर, और ये एकदम चलिए से हम लोग अपने अंदर में कैच कर लिए हैं, और क्योंकि ये हम लोग को परेशान ना करे, लेकिन काफी जो की काफी दम लगा रहा है। और ये पलंग में, ये सोफा में ही जो है ये इधर आया, देखिए किस तरह से भागने के लिए कोशिश कर रहा है। ओह माय गॉड, ओह इतना दम, काफी सारा एनर्जी इसके पास रहता है, और एकदम हमारा पूरा पैर जो है कि दोनों पैर जो है कि एकदम किस तरह से बांध लेता है, जो लोग को लगता है कि इसी तरह जो है ना कि चलिए चलिए बाहर की ओर, बाहर की ओर भी चले, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर रैट स्नेक। और काफी लोग भी जो है ना कि देखने के लिए यहाँ पे, ओह माय गॉड, गजब का। जी हाँ, बारीकी से ये धामन सा गजब का, और इसे ही हम लोग रैट स्नेक बोलते हैं, और इसे ही धामन सांप। एकदम सही समय जो है कि रैट स्नेक जो है कि निकलने का बस कारण यही रहता है कि अमूमन जो है मेल जो है ना कि फीमेल के तलाश में जो है ना कि इसे आ जाता है, और यहाँ पे अमूमन जो है ना कि इसे, क्योंकि अभी के समय जो है ना कि इसका मैचिंग करने का समय हो चुका है, और गजब का एकदम गजब ताकत लगाते हुए। ओह माय गॉड, और कल से जो है कि घूम रहा है, और देखिए किस तरह से एकदम बिग साइज का रैट स्नेक, जिसे हम लोग धामन सांप, और अपनी भाषा में इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपनी भाषा में इसे हम लोग घोड़ा पछाड़ सांप भी बोलते हैं, क्योंकि ये सांप जो है कि बहुत ही तेजी से बहुत तेजी से दौड़ता है, और घोड़ा को भी जो है कि पीछे छोड़ देता है। अमूमन ये सांप को जो है कि दूध पीने के नाम पर जो है कि ये गलतफहमियां लोगों में है कि, और वहां से देखेंगे किस तरह से अगर हम इसे जाने नहीं देंगे तो हो सकेगी अटैकिंग मुद्रा में आकर हमारी तरफ अटैक भी करेगा। अमूमन इसका जो है ना, ओह माय गॉड, और इस सांप का जो है कि अमूमन होता क्या ना कि लोगों में एक गलत धारणा रहता है कि सांप जो है कि दूध पी जाता है, और अमूमन रहता है ना कि कौन सी गाय उके बकरी उकरी के दूध पी जाता है, सांप ही जो है कि ये सांप जो है कि कोई सांप दुनिया के कोई सांप जो है ना दूध ना पिए, शुद्ध मांसाहारी होते हैं। हाँ, और इसके पूछ में भी गलत फहमी रहता है कि इसके पूछ में जो मार देने से आपको जो है ना किसे बिख लग जाता है, इसलिए ऐसा भी जो है ना कि कोई ऐसा बात नहीं होता। गजब का, और ये इतना तो 5 फीट से जो है कि ऊपर का है। गजब का एकदम एग्रेसिव, ओह माय गॉड, गजब एकदम, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये इतना तेज से भागेगा। फिर हमको जो है कि पुराना क्रिकेट का खेलते थे और ड्राइव मारते थे वो याद आ जाएगा, क्योंकि इसको हमको जो है कि ड्राइव मार कर जो है कि पकड़ना पड़ेगा। ओह माय गॉड, गजब का क्या शानदार चाल, एकदम बिंदास पकड़ो, मतलब कि इसके काटने से भी विष नहीं लगता है। आराम से रखे, डरो मत, आ जाओ, डरना नहीं है। ये जहां जाना चाहे ना वहां इसको देखिए, यहां से भी पकड़ लेंगे तो ये काटेगा भी ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे ही नहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस सांप के काटने से। ये सांप हम लोग का मेन काम रहता है ना कि लोगों को जो है कि गलत धारणा जो है वो दूर करना रहता है, ये गलत फहमियां जो लोगों में है वो दूर करना है हम लोग को। लेकिन वर्षों से हम लोग जो है कि यही सुनते आ रहा है कि धामी सांप के पूछ में विष होते, जबकि कहीं इसका विष नहीं होता है, लेकिन इसका पूछ में विष हमारा सुनने के कारण जो है कि सांप को बहुत सारे लोग जो है कि मार देते हैं। और ये सांप हमारा ये सांप हमारा जो है ना किसान के लिए वरदान साबित होता है, भी आदमी पकड़ना चाहते वो पकड़ सकते, एकदम बिंदास आ गई।
कोई इससे दिक्कत नहीं आ गई एकदम। लाजवाब, छू सकते हैं, बच्चे को भी छूने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओह माय गॉड, गजब का आवाज। और ये भी एक नेचर भी नहीं होता है ना, हाँ नेचर भी इसका जो है, हाँ काटने का। तो उसको हम पकड़ने भी नहीं देते ना, जो विषैला सांप होगा। हाँ तो उस सांप को तो हम आपको भी नहीं बोले कि आप उसको जो है किटकैट बुलाइए मेरे पास, उससे तो हम खुद अपने डिस्टेंस बना के रह रहे थे। इसके बारे में तो मुझे पता है कि इसमें वैनम ही नहीं है, तो इसलिए तो एकदम कैजुअल रहना। इसको सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया, सही सलामत इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों का जान बचाया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।